हबीज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय रूस के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वे वहां 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच साल 2000 में वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2019 में रूस गए थे। मोदी का ये रूस दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका में नाटो समिट शुरू हो रहा है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मोदी के रूस दौरे का नाटो समिट से कोई मतलब नहीं है। भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने शुक्रवार को यात्रा से ठीक पहले बताया था कि दोनों नेता व्यापार में असमानता के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज असम और मणिपुर दौरे पर हैं। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने से पहले उन्होंने असम में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे और जीरीबाग कैंप जाकर पीड़ितों का हाल जाना। एक समारोह में केंद्रीय मंत्री और शिवसेना सांसद प्रताप राव जाधव ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से पीओके को भारत के मानचित्र में शामिल करने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर एनडीए लोकसभा में 400 से ज्यादा सीटें जीत जाती, पीओके को वापस लाना संभव हो जाता। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने लंबित परियोजनाओं नीलम वागू, पिंपरी लिफ्ट, पालेम वागू, मथाडी वागू, सदरमत को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्णय लिया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कृष्णा और गोदावरी बेसिन में लंबित परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे 6 परियोजनाओं की वितरण प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करें ताकि इच्छित अयाकट को पानी दिया जा सके। सोमवार यानी आज शेयर बाजार की फ्लैट शुरुआत हुई है। हरे निशान में खुलने के बाद निफ्टी सेंसेक्स लाल निशान में पहुंच गए। सेंसेक्स में सूचीबद्ध कंपनियों में से टाइटन, एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट और मारुति के शेयरों में सबसे अधिक गिरावट आई। वहीं टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, ICICI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों को फायदा हुआ। उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे समेत 115 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। कई रास्ते लैंडस्लाइड की वजह से तो कुछ बह जाने की वजह से बंद हो गए हैं। इससे जगह जगह 6,000 श्रद्धालु फंस गए हैं। अलकनंदा, भागीरथी समेत कई नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। मौसम विभाग ने आज 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 53 साल के बाद इस बार पुरी की रथ यात्रा 2 दिनों की है। सोमवार 8 जुलाई को यात्रा के दूसरे दिन मंगला आरती और भोग के बाद यात्रा दोबारा शुरू हो गई। आज यात्रा गुडिचा मंदिर पहुंच जाएगी। इससे पहले 1971 में यह यात्रा 2 दिन की हुई थी। इस बार तिथियां घटने की वजह से यात्रा 2 दिन की चल रही है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। सीरीज के 2 मैच हो चुके हैं और दोनों ही टीमों ने एक एक मुकाबला जीता है। इस तरह से सीरीज अभी बराबरी पर बनी हुई। दोनों टीमों के बीच तीसरा T20 मैच 10 जुलाई को खेला जाएगा। नेशनल न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए हैबीज न्यूज। नमस्कार।